शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी बीच जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्बंधक उपायों के बारे में जानकारी साझा की। वहीं उन्होंने कहा कि परिस्थिति को देखकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रशासन द्वारा टेस्टिंग बढ़ाए जाने के साथ ही पॉजिटिव लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। विशेषज्ञों की माने तो अगले सप्ताह तक इसी तरह रफ्तार बनी रहेगी। इस बीच 24 घंटे के भीतर जिले में 4763 नए पॉजिटिव पाए गए। गुरुवार की तुलना में इनकी संख्या 335 से ज्यादा रही। इसी पार्श्वभूमि के मद्देनजर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में वैक्सीन का दूसरा डोज 100% लोगों को लग चुका है। वहीं 15 से 18 वर्ग के बच्चों का 60% लसीकरण पूर्ण हो चुका है और प्रशासन निरंतर ही वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने में लगी है। वहीं उन्होंने बताया कि मेयो मेडिकल पूरी तरह से सुसज्जित है, साथ ही बाजारों में भीड़ कम हो इस उद्देश्य से जल्द ही प्रशासन की ओर से उपाय योजना की जाएगी। नागपूर उपराजधानीत सध्या कोविड परिस्थिती जी आहे ती अत्यंत चिंताजनक या परिस्थितीत आलेली आहे। त्याचं गांभीर्य ओळखण्याची आज गरज आहे। जवळपास 5000 घरात रुग्णवाढ झालेली आहे पॉझिटिव्ह पेशंटची, त्यामुळं लसीकरणाला आम्ही सगळ्यात जास्त प्राधान्य दिलेलं आहे आणि त्याची गती वाढवलेली आहे। टेस्टिंगसुद्धा आमची मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी होते आहे आणि अशा या परिस्थितीमध्ये मेडिकल, मेयो, एम्स वगैरे या ठिकाणी गरजेनुसार ज्या काही गोष्टी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत त्या सर्व आम्ही उपलब्ध करून देतो आहोत आणि त्यासंबंधी प्रशासनाची संपूर्ण तयारी आहे। स्कूल शुरू होने के संबंध में उन्होंने कहा कि फिलहाल की स्थिति को देखते हुए स्कूल तुरंत शुरू नहीं होंगे। वहीं 26 जनवरी के बाद ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने खेद व्यक्त किया कि विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। नहीं, अभी जो पीक आ रहा है वो 5000 के करीबन पहुँच रहा है, इसलिए फिलहाल स्कूल तो हम तुरंत नहीं चालू करेंगे, लेकिन वो 26 जनवरी तक के हमने उसका देखने का तय किया है कि क्या इसमें फर्क पड़ता है। परिस्थिति आएगी तो हम शुरू भी करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। कई जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जाने की वजह से ऑनलाइन काम करने से उनका राइटिंग वगैरह का कुछ भी उनको आता नहीं। ये तमाम बातें ध्यान में रखते हुए और स्टूडेंट्स क्लासेस ना अटेंड करने के वजह से उन पे जो इम्पैक्ट हो रहा उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हम करेंगे भविष्य में उनके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिलहाल 26 जनवरी तक के ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त पालक मंत्री नितिन राउत ने इस बात पर जोर दिया कि परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा, साथ ही जनता से संवाद कर ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।